अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विद एन अदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सो यस, हैप्पी मंडे। अल्लाह पाक जो है वो आप लोगों का ये वीक बहुत अच्छा गुजारें और आप लोगों का ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजरे। एनी वेज, आज हमारे पास मौसम फिर थोड़ा सा अच्छा है। रात को जो मैंने कपड़े वॉश किए थे अभी हम सारे फटाफट बाहर डाल देंगे। मैंने यहाँ अपनी कुरान पाक की क्लास ले रही है, उसको आज मैंने यहाँ पर नहीं बिठाया प्लेइंग रूम में, क्योंकि हमारा जो है ना प्लेइंग रूम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है जब बाहर टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो। और सुबह सुबह उठते साथ जो हम लोगों का बेडरूम है उस पर धूप लग रही होती है तो वो कंपैरेटिवली अच्छा होता है। इस वजह से मैंने यहाँ आज अपने बेडरूम में बैठ के कुरान पाक की क्लास ले रही है। और मैं और अंतरिक्ष भी जाएंगे नीचे और हम लोग बनाएंगे नाश्ता और उसके बाद फिर हम लोग स्कूल की तैयारी स्टार्ट करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नीचे आते साथ सबसे पहले जो है ना मैंने कपड़े बाहर डाले हैं और इतने ज़्यादा कपड़े थे, सारे बच्चों के स्वेटर्स और सारे ही मोटे कपड़े हैं। सो आई होप ये शाम तक इंशाल्लाह सूख जाएंगे और अब हम जल्दी जल्दी नाश्ता बनाएंगे और मैं रोज़ की तरह आज फिर लेट हूँ। Uh-huh, and how's the weather? Okay, let's go. So we are late from the school, right? So it's okay, hurry up. आज जो है ना हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। हेलो अंदिश, पता नहीं क्यों सीरियस होके बैठी हुई है। हम लोगों ने जो है ना मनीहा को स्कूल छोड़ दिया और आज हम लोग पूरे 10 मिनट्स लेट थे। और मनीहा ने जो है ना आज बहुत तंग किया है मुझे रील रिकॉर्ड करने में, उसकी वजह से हम लोग लेट हो गए। स्टिल मुझे लग रहा है कि कोई इतनी अच्छी नहीं हमसे रिकॉर्ड हो सकी। एनीवेज, आज जो है वो घर जाके मैंने कुकिंग करनी है, नमाज़ पढ़नी है और किचन साफ़ करना है। और आज सच मेरा कोई काम नहीं है क्योंकि कल मैंने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा काम कर लिए थे। और धूप आज अच्छी निकली हुई है, अच्छी बात यह है कि हमारे जो है वो सारे कपड़े भी आज सूख जाएंगे और फाइनली जो है ना मेरी लॉन्ड्री अब ख़त्म हो गई है। मतलब हफ्ता 10 दिन सुकून हो जाएगा थोड़ा सा। पता नहीं बच्चों के कपड़े ज़्यादा उतरना शुरू हो गए या मैंने ज़्यादा जमा कर लिए थे, नो आइडिया। और मुझे ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ही मशीन लोड करना लगता है, पता नहीं क्यों। और पता नहीं ऑटोमेटिक मशीन में बच्चों के कपड़ों से दाग नहीं उतरते या मेरी वाली जो है वो अच्छी नहीं है क्योंकि वो पहले से यहाँ पे इंस्टॉल हुई हुई थी, हम लोग इन्हें नहीं ली। मतलब यहाँ पे जो होते हैं वो आपको फर्निश्ड घर ही मिलते हैं तो जो कुछ लगा हुआ होता है हमने उसी से काम चलाना होता है। सो अभी तक मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि ऑटोमेटिक मशीन बच्चों के कपड़ों से सही तरह से दाग नहीं उतारती या जो है ना वो मेरी वाली नहीं उतारती। तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि जितने अंजिश की शर्ट पे दाग लगे होते हैं ज़्यादातर मनीहा के कपड़े अब इतने गंदे नहीं होते, तो उसे लोड करने से पहले अंजिश के कपड़ों से मैं सारे जो इसने कुछ खाया हुआ होता है चॉकलेट केचप फ्रेंड से जो है ना मैं इसके सारे कपड़ों से पहले दाग उतारती हूँ और फिर मैं लोड करती हूँ। तो फिर मेरे लिए ना ये काम बड़ा हेक्टिक हो जाता है, इस वजह से ना मुझे मशीन लोड करना सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। एनीवेज, वी आर होम नाउ और बड़ा ही कोई मेरा ना आज अजीब सा मूड हुआ है।
आज मैंने सोचा कि सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है ना मैं सारे काम करूँगी, क्योंकि फिर जो है टेंशन होती रहती है कि नमाज़ की देर हो रही है, और वैसे भी अब ठंड हो गई है तो सर्दियों में नमाज़ का टाइम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। जितनी देर मैंने नमाज़ पढ़ी, मैंने जो है ना प्याज रख दिया था ब्राउन होने के लिए। एज़ आई हैव टोल्ड यू गाइस कि हम जो है ना कल चिकन बनाएंगे, अब मैं जो है वो फटाफट कुकिंग करूँगी और उसके बाद जो है वो मैं नेहा के लेने जाने का टाइम हो जाएगा। प्याज जो है वो हम लोग का ब्राउन हो गया, इसमें मैं जो है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। और यहाँ पे हमारे पास जो चिकन है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा ही आता है, लाइक जैसे पाकिस्तान में आता है ना खूनों खून हुआ हुआ, वो सीन नहीं होता, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। मुझे जस्ट इसको सिर्फ एक दफ़ा पानी से ही निकालना पड़ता है और इतनी ज़्यादा आसानी हो जाती है। आई थिंक वो लोग आपको पहले ही जो है ना वो साफ़ करके देते हैं और आपको जो है वो इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती इसको वॉश करने में। फिर चिकन जो है वो मैंने ऑयल में डाल दिया फ्राई होने के लिए, और साथ ही जो है ना मैं थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देती हूँ, मुझे लगता है कि सॉल्ट ऐड करने से ना चिकन थोड़ा सा जल्दी आपका गल जाता है। इसके बाद फिर हम इसमें टमाटोज ऐड कर देंगे, और बस मैं कोई डिफरेंट तरीके से नहीं पका रही, मतलब सिंपल तरीके से जैसे सारे चिकन बनाते हैं उसी तरह से बना रही हूँ, और बहुत जल्दी बन जाता है ऐसे। एंड दीज आर माई किचन सीन्स राइट नाउ, जो कि मैंने भी सारा फटाफट साफ़ करना है, और यहाँ के भी कुछ ये हालात हैं। जितना मर्ज़ी आप सफाई कर लें, बच्चे जो हैं ना वो सब कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, और अंजश जो है वो कभी मेरे पास आ जाती है और कभी यहाँ पे, मतलब इसको भी साथ साथ देखना पड़ता है, और काम बहुत मेरा फिर आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। मैं जो है ना मैंने थोड़ा सा ये कढ़ाई मसाला डाला है और अपनी ही रेड चिलीज़ डाली हैं, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला। इसको जो है ना अब हम लो फ्लेम पे थोड़े पकने देंगे ताकि हमारे टमाटर भी गल जाएँ, मतलब इतना भी लो फ्लेम नहीं है, नॉर्मल फ्लेम है, और इतनी देर में जो है ना मैं फटाफट ये सारा काम ख़त्म करूँगी। चिकन हम लोगों का जो है ना वो बन गया, और अब आपकी अपनी मर्ज़ी है आप इसको स्मोक करें या ना करें, मुझे क्योंकि अच्छा लगता है तो मैं हमेशा जो है ना इसको स्मोक करती होती हूँ। एंड वी आर डन, किचन का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया था, और जब मैं मनीहा को लेने जाने के लिए निकलने लगी तो मुझे आके आपकी कॉल आई कि लेने चली गई हो कि नहीं, तो मैंने बोला कि मैं निकलने लगी हूँ, तो आके मैंने कहा कि मैं जो है ना फ्री हो गया हूँ तो मैं मनीहा को ले आता हूँ, और मैं इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती कि आज मुझे नहीं जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ से भी मैंने सारी चीज़ें सही कर ली थी, जस्ट जो है ना मैंने वैक्यूम क्लीनर चलाना है वो अभी उन लोगों के आने से पहले मैं फटाफट चला लेती हूँ, एंड देन आई विल बी फ्री टिल नाइट। फिर जो है शाम को ही बच्चों को जो है वो खाना शाना जो भी देना होगा, और हाँ अभी मुझे बच्चों को सुलाना भी है इसके बाद, जो कि इट्स सेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और मनीहा और आकिब भी आ गए, लेट्स सी मनीहा आज कितनी खुश हुई होगी कि उसको बाबा लेने आए हैं। हेलो, आज तो मामा लेने ही नहीं आई। हाँ, आर यू हैप्पी बाबा के साथ आने में? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना। यू आर हैप्पी, नींदी आई हुई है, कोट क्यों उतारा हुआ है? अच्छा, आप उसको डांट रहे थे क्यों? कैथरीन ने मुझे बताई है इसकी हरकतें। हाँ, ओ माय गॉड, बाबा को तो स्कूल जाना ही नहीं चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, लंच एम्प्टी हो गया, खा लिया आपने? आपने दिया था आपको? यस यस, कलरिंग किसने की है? Yes. चलो मुझे दे, मुझे दे दो, थैंक यू। आपके जो है वो जल्दी आ गए थे, सो वी हैव डिसाइडेड कि हम अपना जो है ना बैक लॉन आज साफ कर लेते हैं, और बच्चे जो है ना वो ट्रैम्पोलिन में घुसे हुए हैं, और अभी हम लोगों ने ये हाफ किया है, और ये वाली साइड जो है ना हमारी अभी रह गई है।
दीज आर द सीन्स राइट नाउ, हाफ मैंने किया है और हाफ जो है ना वो आकिब ने किया है, और मनीहा ने करने की ट्राई की है जो कि उससे नहीं हुआ। आज हम लोगों ने ये सबसे भी कर लिया क्योंकि आगे दो चार दिन फिर बारिशें हैं, तो बारिशों में तो आप ये काम नहीं कर सकते। ट्रैम्पोलिन भी जो है ना वो हम लोगों ने अपनी जगह से हटाया हुआ है, इसको भी हम अपनी जगह में दोबारा से लेके आएंगे। इतनी ज़्यादा घास हो गई थी कि ट्रैम्पोलिन को भी ना उसने अपने अंदर ही कर लिया था कि हम इसको उठा रहे थे और ये हमसे उठ ही नहीं रहा था। खैर एनीवे शुक्र है कि सारा क्लियर हो गया है। अब अगर इसके अंदर कोई चीज़ होती तो वो हमें नज़र ना आती, बट एनीवेज यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं निकला सिवाय एक फ्रॉग थी छोटी सी, वो पता नहीं कहाँ गई। आपने गार्डन क्यों नहीं सही से साफ किया? आता नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पहले ही कट कर लिया था। नहीं हम लोगों ने तो कट नहीं किया, वहाँ से जहाँ से आप कर रही थी वहाँ से आपको करना ही नहीं आ रहा था। जहाँ पे आप मशीन चला रही थी नहीं। अच्छा ये ग्रेप्स आप क्यों लेके आ गए? जाओ अंदर रख के आओ, वॉश करके खाते हैं ना। ब्राउन बिन में जो है ना हमने सारा ग्रास डाला है और ये पूरी फिल हो गई है। अब हमारे पास और कोई जगह नहीं है ग्रास डालने की, और ये वाला डोर जो है ना ये हमारे बैक लॉन में खुलता है और इसको अब हम कर देंगे बंद। और बाकी यार यहाँ के कुछ ये सीन्स हैं, मेरे पास ब्रश है मैं उसे ट्राई करती हूँ इस एरिया को साफ़ करने के लिए। अगर झाड़ू होता तो अच्छा हो जाता है। इस हवा मैं पाकिस्तान से इंशाल्लाह दो झाड़ू ज़रूर लेके आऊँगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी झाड़ू अपने। और बाकी मैं इसको थोड़ा सा ट्राई करती हूँ अगर ब्रश से होता है तो, अदरवाइज़ ये ऐसे गंद मचा रहेगा। अभी मैं जो है ना ट्राई करूँगी ब्रश के साथ थोड़ा बहुत इस एरिया को साफ़ करने की, और कुछ मैंने किया है पहले ग्रास सारा साइड पे, लेकिन इसके साथ जो है ना तो बस गुजारा ही हो सकता है। लाइक ये जो है ना ये नहीं उस तरह से साफ़ हो रहा जैसे अगर ये झाड़ू होता तो उसके साथ होता। पता नहीं यहाँ पे जो है वो झाड़ू मिलते होंगे कि नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने जितनी दफ़ा बाहर इसको भी देखा है वो लोग इन्हीं ब्रशेज़ के साथ जो है ना वो कर रहे होते हैं। बच्चों के लिए अभी जो है ना मैं फ्राइज़ बनाने लगी हूँ, और साथ ही मैं फटाफट अब जो है ना वो रोटी बना लूँगी, पेड़े बना के मैंने रख दिए हैं। और बच्चे जो है ना दोनों उनके कुछ ये सीन्स हैं। मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, आप दिखाओ मुझे, नीचे कुछ भी नहीं फेंकना प्लीज़ ओके मामा। यस वाह कितनी अच्छी स्टैम्प्स लगा के दिखाओ। एम्बू वाओ रेनबो लगाओ, लगा के दिखाओ। आप क्या कह रही हो? मुझे लगता है कि मुझे आपको न्यू कलरिंग बुक्स लानी चाहिए, लेके देनी चाहिए, क्योंकि ये वाली तो इन्होंने सारी जो है ना कलरिंग बुक्स के कुछ ये हशर कर दिया। स्टिल मुझे जो है ना ये फेंकने का दिल नहीं करता कि मनीहा ने इसमें कलरिंग की हुई है। चलो सो जाओ, सो जाओ। थैंक यू। ये मिक्की मैं ले लूं? प्लीज दे दो। मिक्की कह रहे उसने मामा के पास जाना है। ये देखो मिक्की मामा पास आ गया। लाइट लगाए मिक्की की, बेडशीट में सोना है इसने। ये लो कुकीज खा रहे हो पापा ने लिया। चलो आ जाओ लेट जाओ, इसके सामने नहीं करो फिर ये भी मांगेगी, अब मैं इसके लिए नीचे नहीं जा सकती। आ जाओ बेड पे। आपकी तो कितनी प्यारी डोरेमोन है। मैंने ये सारी निकाल लेगी, बस ना निकालो और है पिन। बस 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 बस
अंजश चलो हरी अप। गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम आवर डे। और बच्चे जो है ना वो मेरे सुबह 9 बजे के उठे हुए हैं। आज शाम को इन लोगों ने इवनिंग नैप नहीं लिया तो इनको बहुत सख्त नींद आई हुई है। अभी मैं इनको सलाने लगी हूँ और बाहर इस टाइम हमारे पास 8 टेम्परेचर हुआ है। एनी वे सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह विद अनदर व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।